अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार, जो यहाँ का बहुत फेमस बाज़ार है। और अभी मैं आई हूँ रामी दरे के स्टॉप से, यहाँ पे मैं बस मेट्रो बस पे बैठूँगी और फिर मैं पहुँचूँगी जैविद के स्टॉप पे, वहाँ से फिर हम आगे ग्रैंड बाज़ार में जाएंगे। चलें चलते हैं। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें चलते हैं। मैं ये स्टॉप से ना यहाँ पर आई हूँ, बैजिद के स्टॉप पर उतरी हूँ। अब हम उल्टे हाथ को जाएँगे तो फिर उस तरफ है ग्रैंड बाज़ार, तो चलें फिर चलते हैं। फाइनली ये है ग्रैंड बाजार का मेन एंट्रेंस, मतलब यहाँ से उस तरफ जाएंगे, वो गली है उस तरफ है। देखिए जूस कॉर्नर भी है, गर्मी में ठंडा जूस पिए और उस तरफ जाएं। गर्ल वो देखिए, वो है सामने ग्रैंड बाजार। ये भी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं फॉर शॉपिंग। ये देखिए मेन एंट्रेंस द ग्रैंड बाजार की। फाइनली आई एम इन द ग्रैंड बाजार। देखिए कितना प्यारा है, एंटीक्स भी है, देखिए इसकी रूफ देखिए। अच्छा इधर देखेंगे, तीन साइड है, एक उस तरफ, एक ये सामने और एक इस तरफ। ये तीन गलियां जा रही है डिफरेंट साइड। इतना बड़ा बाजार है और देखेंगे कितनी शॉप्स है इस तरफ भी इस तरफ भी। सारी गोल्ड की है, वाओ देखिए कितने अच्छे गोल्ड के डिजाइन है, देखिए गोल्ड के डिजाइन, देखिए इसकी क्लोज में मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए क्लोज में, क्लोज में देखिए गोल्ड के डिजाइन कितने खूबसूरत, वाओ अमेजिंग। ये देखिए बैंगल्स, ये सिल्वर के। बाजार के अंदर बाजार, वाकई द ग्रैंड बाजार ही है। बाजार ही बाजार है, सर्दियों गर्मियों की हर चीज मिलती है यहाँ। यहाँ से मैं इस तरफ जा रही हूँ, सामने देखती हूँ क्या है। लेकिन ये बाजार बहुत एक्सपेंसिव है, ये मैं आपको बताती थी। लेकिन भाई टूरिस्ट आते हैं लेते हैं चीजें, देखते हैं ये सब, बस रौनक मेला है। ज्वेलरी, कपड़े, बैग, शूज। सर्दियों के, गर्मियों के, हर सीजन के मिल जाएंगे। ज्वेलरी मुझे सबसे अच्छी लग रही है, को भी जा रहा है
गलियों से गलियां निकल रही हैं, आप इस बाजार में आ जाएंगे आपका दिमाग घूमते रह जाएगा। ये देखिए छोटी छोटी गलियां, ये सब आगे मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, बैग्स भी अच्छे हैं, इतना गंभीर ये बाजार है ना। ये क्या है ये देखें, छोटी सी एक मस्जिद बनाई हुई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। ये देखें कितनी प्यारी, ये वजू खाना है, ऊपर छोटी सी मस्जिद है। अच्छी बात यह है कि आप जितना भी गलियों में गुम हो जाए, इधर हर गली के बाहर एक एग्जिट गली है जहाँ से आप बाहर की तरफ का रास्ता आता है। ऐसा नहीं है कि आप गुम हो जाएंगे, आपको बाहर के रास्ते नजर आएंगे, बाहर के दरवाजे खुले हैं आपके। ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी एंटीक्स की चीजें हैं। अभी बुने कदर, अभी बुने कदर 1100 ले रहा है। ये यहाँ पे टर्किश लोग ये लगाते हैं अपने घरों के बाहर, इसे ये समझते हैं कि नजर बस से बचने का साइन है। ये भी देखें डिफरेंट रखे हैं। ये देखें ये भी डेकोरेशन पीसेस हैं, लेकिन ये मुनासिब दे रहे हैं 100 लिरा का माल पीस। अच्छा लग रहा है ये, कर यहाँ का जो कल्चर है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये देखें कितना प्यारा इस्तांबुल तुर्की के डेकोरेशन है। आप जाएं यहाँ विजिट करने के बाद जब आप जाते हैं तो वो आपको गिफ्ट्स के लिए बेहतरीन है। ये बहुत प्यारी चीज है, वाओ अमेजिंग। देखिए कितने प्यारे प्यारे डेकोरेशन की 180 की है, ये 180 ले रहा था। डेकोरेशन पीसेस है बहुत खूबसूरत है, ये 200 ले रहा था। ये देखिए ये 400 का, यहाँ का एक कदीम डांस है ना वो करते हैं यहाँ के लोग। लेकिन जो भी है यहाँ पे मजा बहुत है। इनकेंटिक्स की चीजें, क्या बोला तूने? इनकेंटिक्स की चीजें, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत बड़ी शॉप है, कितनी खूबसूरत।
मैंने आपको पूरे ग्रैंड बाजार का विजिट करवाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे, बाय बाय।